الحمد لله الذي أنزل القرآن قانونا عاما معصوما وعجز بأجائبه فظهرت يوما فيوما وجعله مصدقا لما بين يديه ومهيمنا أما بعد فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة صدق الله العظيم. हाजरीन ग्रामी कद्र खवातीन हजरात, फहमे कुरान मजीद के सिलसिले की आज ये दूसरी नशिस्त है और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम गुफ्तगू करेंगे सूरह फातिहा के हवाले से। और सूरह फातिहा में मुस्लिम तरबियत का एक लाहे अमल, उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आज का जो दर्स है, आज का जो सबक है, उसमें दो बातें हैं। एक है सूरह फातिहा और उसके मजामीन, और दूसरा है तरबियत के हवाले से कि मुस्लिम तरबियत का एक लाहे अमल वो क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, मैं ये चाहूँगा कि जो मेरे मुखातबीन इस वक्त मौजूद हैं क्लास में, आपकी आज की क्लास से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं और आप क्या चाहते हैं कि आज हम इस दर्स से, आज की इस क्लास से क्या सीखें। कमेंट बॉक्स आपके पास मौजूद है, यहाँ पर तहरीर कीजिए कि आज के दर्स से, आज की क्लास से हमें क्या सीखना होगा, उन्वान से क्या तासुर मिलता है, या आप क्या जहन लेकर आए हैं कि आज के इस दर्स में, आज की इस दरसगाह में, आज के इस क्लासरूम में हम ये सीख कर इंशाअल्लाह अजीज जाएंगे। जी जी खवातीन हजरात, कमेंट बॉक्स आपके पास मौजूद है, यहां पर आप जरूर तहरीर करें कि आज के दर्स से, आज की क्लास से हम क्या सीखेंगे या क्या इरादा लेकर आए। जी, अपनी तरबियत कैसे करें सूरह फातिहा की रोशनी में। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। सूरह फातिहा की मजामीन समझकर हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, बहुत खूब, आला। अल्लाह के दीन के मिशन को इस तौर पर आगे चलना है कि दिल में दुनिया के शुभात और खौफ खत्म हो जाए, तो ये रहनुमाई चाहिए। बेहतर हो गया। इस्लाह नफ्स, दुरुस्त, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। हम खुद सीख कर दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे, ये भी अच्छा है। मैं ये सीखना चाहती हूं कि वाकई मुसलमान कैसा हो कि बताए बगैर पता चले कि अल्लाह के नबी के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह फातिहा से आज कौन से मोती चुनने का मौका मिलेगा। जी बेहतर, बिल्कुल ठीक है, और उन मोतियों को जरूर चुनिए, मुंतखब कीजिए, और जाने के बाद जरूर मालूम होना चाहिए कि आज हमने क्या सीखा, आज हम क्या लेकर जा रहे हैं। अपनी और जी सूरह फातिहा पूरे कुरान करीम का खुलासा है, इससे कुरान के फहमो अहकामात का समझना ठीक है। अपनी और दूसरों की तरबियत कैसे करें, खास तौर पर औलाद की, बिल्कुल ठीक है। उस्ताद साहब, मैं आपका तरीका सीखने का इरादा लेकर आई हूं क्योंकि मुझे ऑनलाइन क्लास देनी है तो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए आपका तरीका ठीक है। जी, पढ़ाने के लिए सीख रहे हैं, अल्लाह की किताब को समझना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी को कैसे अमल करना है, ठीक है। कुरान हमारे लिए तदकीर कैसे है, हम कुरान को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करें। सूरह फातिहा को नए अंदाज से, नए उस्ताद से सीखना है इंशाल्लाह, ठीक है। सूरह फातिहा में तदब्बर सीखने के लिए, सूरह फातिहा से क्या सबक मिलता है, कुरान पाक को बयान करना आ जाए कि हमारा पढ़ाना सिखाना भी मौसर हो। जी बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने काफी हद तक बता दिया कि मोहब्बत इलाही पाने के लिए अल्लाह से हिदायत मांगनी है, बहुत खूब।
आगे बढ़ते हैं। आज के इस दर्स में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरह फातिहा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और तरबियत के हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा जो है, सूरह फातिहा के नाम जो हैं वो एक से ज्यादा हैं, और बाज़ मुफस्सिरीन के बकौल सूरह फातिहा के तकरीबन 25 के लगभग नाम हैं। और किसी भी जो सूरत होती है या कोई भी चीज जिसके नाम कसरत से हों, तादाद में ज्यादा हो, वो उसकी अजमत की दलील होती है, वो उसकी अजमत को बताती है। कोई भी चीज जो अजीमुश्शान हो तो उसके नाम ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसको ताबीर करने के लिए, उसका तारुफ करवाने के लिए, उसकी तारीफ के लिए इंसान लफ्जों का मोहताज होता है। कभी इस लफ्ज से उसकी तौजीह करता है, कभी उस लफ्ज से उसकी वजाहत करने की कोशिश करता है, कभी और ताबीर अपनाता है। तो सूरह फातिहा जो है, मुफस्सरीन ने सूरह फातिहा के कोई 25 के लगभग नाम जिक्र किए हैं। कुछ नाम मनकुली हैं और कुछ इज्तिहादी हैं। मनकुली से मुराद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब की जानिब से नकल किए हुए हैं, और कुछ इज्तिहादी नाम हैं। सूरह फातिहा का मारूफ नाम जो है वो है उम्मुल कुरान। उम्मुल कुरान, जो अरब हैं, अरब लोग हैं, वो उस चीज को कहते हैं जिससे मजीद चीजें निकलें, और भी निकलें, मजीद फूटे, जड़, बुनियाद, जिससे और भी फिर शाखें निकल रही हों, उसको कहा जाता है। ये जो सूरत है, कुरान मजीद के तमाम मकासिद, अगराज, मुतालिबात को अपने अंदर समोए हुए है, इसलिए इसको उम्मुल कुरान कहा गया। उम्मुल कुरान। सूरह फातिहा के और भी नाम हैं, तो इंशाल्लाह उन नामों के हवाले से भी हम बात करेंगे। ये सूरत कहाँ पर नाजिल हुई, इसके बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ मदनी कहते हैं, कुछ मक्की कहते हैं, कुछ की राय ये है कि ये सूरत दो मरतबा नाजिल हुई, एक मरतबा मदीना में नाजिल हुई, एक मरतबा मक्का में नाजिल हुई। अलबत्ता मारूफ कौल और ज्यादा जो मोतबर कौल है वो ये है कि ये सूरत चौथी या पांचवी वही है, और कुरान मजीद की पहली मुकम्मल सूरत है, और ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, इसलिए इस सूरत को मक्की सूरत कहा जाता है। मक्की सूरत बतलाया जाता है कि ये मक्की सूरत है, मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, और बिल्कुल इब्तदाई सूरत है, और इसमें जो मक्की सूरतों के खवास हैं और साफ हैं वो इस सूरत में पाए जाते हैं। इस सूरत को फातिहतुल किताब भी कहा जाता है। इस सूरत को का एक नाम है फातिहतुल किताब, और ये फातिहतुल किताब जो नाम है, ये इस सूरत की फजीलत का तस्करा भी इस नाम के साथ जुड़ा हुआ है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आसमान से एक आवाज आई, जिब्रील ने आसमान की तरफ देखकर फरमाया, आज आसमान का वो दरवाजा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला। इस दरवाजे से एक फरिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि आपको दो नूरों की खुशखबरी मुबारक हो जो आप ही को अता किए गए, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, एक है फातिहतुल किताब और दूसरा खवातीम सूरतुल बकरा, यानी सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयात, आखिरी आयात। इसके एक एक हर्फ पढ़ने पर भी अल्लाह ताला नवाजते हैं, अजर भी देते हैं। फातिहतुल किताब इफ्तिताह से है, खोलने से है, यानी कुरान मजीद की तिलावत का आगाज वो भी फातिहा से ही होता है। परवरदिगार कायनात के दर रहमत और दर हिदायत खुलने का आगाज इसी किताब से होता है, और सिरात मुस्तकीम, पूरी किताब कुरान मजीद सिरात मुस्तकीम की हिदायत पर मबनी है, तो इसका आगाज भी फातिहा ही से होता है। तो फातिहतुल किताब यानी किताब की इब्तिदा, किताब का इफ्तिताह, किताब का आगाज। तो इसका एक नाम फातिहतुल किताब भी है, एक नाम सूरतुस्सलात भी है, सूरतुस्सलात। इससे पहले कि हम सूरतुस्सलात की जानिब जाएं, दोबारा वापस आते हैं फरिश्ते की आमद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके ये बताना कि ये दो नूर अल्लाह ने सिर्फ आप ही को अता किए हैं, अल्लाह ने सिर्फ आप ही को अता किए हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये महसूस करने की बात है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से ये दोनों नूर हमें भी अता हुए हैं। सूरतुल फातिहा एक नूर, और वो नूर एक ऐसा नूर है जिस नूर के बारे में आज हम मुताला करेंगे, जिस नूर की तफहीम करेंगे, जिस नूर को आज समझेंगे, जिस नूर को आज अपनाएंगे, जिस नूर को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और ऐसा ही शुक्र अदा करना चाहिए कि गोया के फरिश्ते की आमद हमारे लिए अभी के अभी हुई है, आज ही हुई है। अल्लाह की जानिब से आसमान का दरवाजा खुला, फरिश्ता आया और हमें एक नूर देकर जा रहा है, और उस नूर को हम मुताला करेंगे, उस नूर को पढ़ेंगे, उस नूर से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करेंगे, मुनव्वर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये अहद, ये वादा, ये अज़म अभी के अभी कर लेना चाहिए और महसूस करना चाहिए। अल्लाह ताला की नेमतों को महसूस कीजिए, अल्लाह ताला के इनामात को महसूस कीजिए। महसूस करें तो एहसासात के साथ जो हमारे आमाल होते हैं वो आमाल एहसासात से आरी हूं, अल्फाज एहसासात से आरी हूं। उसका मतलब ये होता है कि लफ्ज तो है रूह नहीं, आमाल तो है लेकिन अपनी रूह के साथ आमाल नहीं है। तो गोया के ये सूरा आज ही नाजिल हुई, अभी के अभी हुई, मेरे लिए हुई, मुझे अल्लाह ताला ने अता की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से। सूरतुस सला भी कहा जाता है इस सूरत को, और अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े ही शफीक अंदाज से, मोहब्बत भरे अंदाज से, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं एक अजब अजीब शान है और अजब अंदाज है कि मैंने सूरह फातिहा को अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर लिया। वो बंदा कोई और नहीं है, वो बंदा मैं हूँ। अल्लाह मुझसे मुखातब होता है, और मुखातब होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मेरे बंदे आधी सूरत फातिहा मेरे लिए, आधी तुम्हारे लिए है। जब तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो मैं फरमाता हूँ हमिदानी अब्दी। तो बंदा जब ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहे तो लफ्ज फकत लफ्ज ना हो, अल्फाज अपनी रूह के साथ जाए, अल्फाज एहसासात के साथ जाए, अल्फाज में जज्बात शामिल हूँ, अल्फाज में अफकार शामिल हूँ, मुकम्मल खुशू और खुजू के साथ दिलो दिमाग को हाजिर रख के अल्लाह के हुजूर कहा जाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम कलाम हो रहा है बंदा, और बंदा कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। इसको महसूस करने की जरूरत है, महसूस कीजिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह फरमाते हैं, मुझसे मुखातब होकर फरमाते हैं हमिदनी अब्दी। मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जरा तसव्वुर कीजिए कि दुनिया की कोई बड़ी शख्सियत, सदर, वजीर आजम, बादशाह या बड़े बुजुर्ग, वो मेरा तज़करा अपनी मजलिस में करें तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। रब्बुल आलमीन कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन मुझे याद कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन मेरा तज़करा कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फिर वैसा ही होना चाहिए जैसे रब के हुजूर अपना तज़करा सुनना चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारा तज़करा करे, वैसा ही तज़करा अल्लाह का हम करें। बात तो फिर बनती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं हामिदानी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब मैं कहता हूं, मेरे साथ मिलकर ये कहिए, जब मैं कहता हूँ अर रहमान, उसकी रहमतों को महसूस कीजिए, उसकी मोहब्बत को महसूस कीजिए, अर रहीम आखिरत में उसकी रहम को महसूस कीजिए, अर रहमान अर रहीम। तो अल्लाह मुझसे फरमाते हैं अतना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तना बयान की, मेरे बंदे ने मेरी तना बयान की। बंदे का तज़करा अर्श पर, बंदे का तज़करा रब्बे करीम के दरबार में अल्लाह कर रहे हैं,
और बंदा कोई और नहीं मैं हूं। मालिक यौमिद्दीन, जब मैं कहता हूं तो मेरा मालिक फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी अजमत, मेरी बुजुर्गी का एतराफ किया। और जब अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी का, मेरे बंदे ने मेरी अजमत का एतराफ किया, तो बंदे को भी ये कलिमात इस अंदाज से कहने चाहिए कि वो अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बुजुर्गी को महसूस करते हुए कह रहा है, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन। फिर क्या ही खूबसूरत अंदाज आगे आ रहा है कि जब मैं ये कहता हूं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, मैं अल्लाह से बंदगी का ऐलान करता हूँ कि ऐ बारी तआला, बंदगी तो तेरी ही हम करते हैं, मदद भी तुझ ही से मांगते हैं। मांगने का अंदाज एतराफ, इकरार, मांगने का अंदाज। तो अल्लाह फरमाते हैं हादा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है। फिर बंदा ये कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मैं रब के हुजूर मांगता हूँ सिरात मुस्तकीम पर चलना, सिरात मुस्तकीम की दुआ, सिरात मुस्तकीम के का रास्ता कि मुझे दिखा दे, मुझे चला दे आखिर तक कहता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरे बंदे के लिए है और मेरा बंदा जो मांगेगा उसको मैं दे दूंगा। ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे ने जो मांगा मैंने उसे अता कर दिया, दे दिया। ये रब और बंदे के दरमियान एक मुकालमा है, सूरतुस्सला, सूरतुस्सला इसका नाम कहा जाता है और इसी रिवायत की बुनियाद पर इसको सूरतुस्सला कहा जाता है। बंदा नमाज में मांगता है, परवरदिगार के हुजूर मांगता है, हिदायत का रास्ता मांगता है। और फिर उसके बाद अगर नमाज देखा जाए तो नमाज के फौरन बाद चंद कलिमात, चंद आयात कुरान मजीद के किसी भी हिस्से की पढ़ते हैं तो सिराते मुस्तकीम वहां पर भी आ रहा होता है, अल्लाह की जानिब से आ जाता है कि भाई ये है जो जिस पर अमल करना है। सिराते मुस्तकीम मांगा, लो आ गया आपके लिए, लो आ गया आपके लिए। सूरह फातिहा, रब्बे करीम के दरबार में एक दरखास्त है, इसमें एतराफ है, इकरार है, इजहार है, इसमें दुआ है, इसमें मुनाजात है, उसका तरीका सिखाया गया है। तो बहरहाल सूरह फातिहा एक अजीब शान की मालिक सूरत है, तो इस पर मजीद हम इंशाअल्लाह अल अजीज गुफ्तगू करेंगे। और अभी रुकते हैं और इसके कुछ तरबियती अहदाफ की तरफ जाते हैं कि सूरह फातिहा के जो तरबियती अहदाफ हैं, तो तरबियती अहदाफ और सूरह फातिहा का तरबियत करने का अंदाज और उसलूब, तो उस पर जाने से पहले हम सबसे पहले तो देखेंगे कि ये तरबियती अहदाफ आखिर होते क्या है, फिर हम जाएंगे कि सूरह फातिहा के तरबियती अहदाफ क्या है, और फिर तरबियत करने का जो उसलूब है, जिन जिन असालीब को इख्तियार किया गया है उन पर हम गुफ्तगू करेंगे, और फिर सूरह फातिहा के दोबारा मजामीन पर आएंगे। हदफ क्या है, हदफ की तारीफ क्या है? हर वो चीज जिसके हुसूल की कोशिश की जाती है वो हदफ कहलाता है, हर वो चीज जिसके हुसूल की कोशिश की जाती है वो हदफ कहलाता है। तो हम पढ़ रहे हैं तरबियती अहदाफ, तो हदफ तो ये हो गया, अहदाफ इसका मजमुआ है। अब आ जाती है तरबियत, तो मुझे कोई बताएगा कि तरबियत किसको कहा जाता है, तरबियत किसको कहते हैं? चैट बॉक्स मौजूद है, चैट बॉक्स में आप तहरीर फरमाए भाई तरबियत क्या चीज है, तरबियत किसको कहा जाता है। तरबियत की कोई तारीफ किसी के इल्म में हो? जी जी, तरबियत की तारीफ सिखाना, राय राज की शिनाख्त, इस्लाह करना, ठीक है, इस्लाह करना, राय राज की शिनाख्त करवाना, पालना,
रहनुमाई करना। तदरीसी अमल जो खुद या किसी पर नाफिज हो सके, ठीक है, ठीक हो गया। मकसूद हदफ, जी ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। तरबियत, इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की मुसलसल इस्लाह करना, इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की मुख्तलिफ जिहाद की मुसलसल इस्लाह करना। तरबियत का जो अंदाज है वो जमाने और जगह के बदलने से तब्दील हो जाएगा, जमाने के तकाजों को मद्देनजर रखना होगा, और अगर प्लेस बदलती है, जगह बदलती है, तो वहां के माहौल और इन्वायरमेंट के मुताबिक इंसान तरबियत में कमी बेशी या तरबियत का जो तरीक़ाकार होता है उसमें तब्दीली ला सकता है। अलबत्ता तरबियत की तारीफ या तरबियत का मफहूम यही है कि इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की मुसलसल इस्लाह करना, उनकी तहजीब करते रहना। इस्लामी तरबियत का मफहूम क्या होगा कि दुनिया और आखिरत के तमाम मराहिल के लिए, यानी दुनिया के जितने भी मराहिल हैं और आखिरत के जितने भी मराहिल हैं, तमाम मराहिल के लिए तमाम पहलुओं से एक मुकम्मल मुसलमान की कुरान और सुन्नत की रोशनी में तैयारी, दुनिया और आखिरत के तमाम मराहिल के लिए तमाम पहलुओं से मुकम्मल मुसलमान की कुरान और सुन्नत की रोशनी में तैयारी, यह है तरबियत का इस्लामी मफहूम। तरबियत के फिर चार लेवल हैं, चार मराहिल हैं तरबियत के। पहला मरहला जो है उसे हम अल्लाह की बंदगी या अल्लाह का कुरब या मारिफत इलाही या तकवा हम उसको कह सकते हैं। अल्लाह की बंदगी यानी बंदगी का एहसास, बंदा होने का एहसास कि मैं बंदा हूँ, वो मेरा मालिक है, वो मेरा खालिक है, वो रब है, वो राज़िक है। और इंसान जहाँ पर भी हो, जिंदगी के जिस शोबे में भी हो, जिस मरहले पर भी हो, दिन के जिस लम्हे में भी हो, वो बंदगी के एहसास के साथ मामूर रहे, ये तरबियत इस्लामी का पहला लेवल, पहला मरहला है। अल्लाह का कुर्ब वो भी इसी माना में है कि अल्लाह की मौजूदगी का एहसास के परवरदिगार मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे देख रहा है और मेरे शारक से भी ज्यादा करीब और पास है, इसका एहसास। मारिफत ये रब की पहचान को कहते हैं, मारिफत इलाही अल्लाह की पहचान जितनी ज्यादा होगी बंदगी का एहसास उतना ही ज्यादा होगा, जितनी पहचान कम होगी उतना रब की जात की मारिफत जितनी कम होगी तो जाहिर है कि रब की बंदगी का एहसास उतने ही दर्जे कम होगा। मारिफत जरूरी है, इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा है, वो गली महल में खेल रहा है, तो खेलते हुए अचानक कुछ बड़े बच्चे आ जाते हैं। जब बड़े बच्चे आते हैं और रोब जमाते हैं उस पर, वो छोटा बच्चा सहम जाता है, डर जाता है। अचानक उस छोटे बच्चे के वालिद साहब गली में आते हैं, जैसे ही वो अपने अब्बा जी को देखता है बच्चा साथ ही शेर हो जाता है। क्यों? वो अपने वालिद की ताकत को पहचानता है कि मेरे वालिद हैं मेरी बैक पर, मेरी सपोर्ट करेंगे। वो अपने वालिद पर भरोसा और एतिमाद रखता है और भरोसे और एतिमाद से उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तो ऐसा ही है कि जब रब की मारिफत होती है, जब अल्लाह की मारिफत होती है, अल्लाह की पहचान जितनी ज्यादा होती है बंदगी का एहसास उतना ही बढ़ जाता है। फिर आ जाता है तकवा। तकवा यानी अल्लाह की खैशियत, अल्लाह से हया, अल्लाह से हया, अल्लाह की हुजूरी का एहसास। ये जाहिर है कि ये जितनी भी कोशिशें हैं ये होंगी शऊरी तौर पर, और फिर उस शऊर को बच्चे के, बड़े के, अपने जात के लाशऊर का हिस्सा बना देना है। पहले है कोशिश, शऊरी कोशिश होगी, शऊरी कोशिश होगी, खुद करना होगा, और फिर शऊरी कोशिश करने के बाद लाशऊर में ये चीज आ जाएगी और बंदगी का एहसास इंसान को हमा वक्त रहना शुरू हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि बंदे की तख्लीक का जो मकसद है वो बंदगी है, इबादत बंदगी को कहा जाता है, इबादत बंदगी को कहा जाता है, इबादत बंदा बने रहने को कहा जाता है। इंसान जब अल्लाह का बंदा बनकर कोई भी अमल करता है तो वो इबादत कहलाती है। इंसान
अल्लाह का बंदा बनकर अल्लाह की बंदगी में कोई भी काम करता है वो इबादत कहलाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नों इंस को जो तखलीक किया, इसका बुनियादी मकसद बंदगी है कि बंदा बनकर रहे, परवरदिगार का अल्लाह का बंदा बनकर रहे। वमा अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहू, यानी अपनी जात को पूरी तरह अल्लाह के सुपुर्द कर देना। अल्लाह के सुपुर्द कर देने का मतलब अल्लाह की मंशा, अल्लाह की चाहत, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपने अफकार, जज्बात और अखलाक की तहजीब करना और उन्हें संवारना और ढालना, ये मकसूद है एक बंदा मोमिन से परवरदिगार का। और ये तरबियत का पहला मरहला, पहला स्टेप, पहला दर्जा है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला दर्जा जो तरबियत का है या तरबियत का जो दूसरा लेवल है वो ये है कि जिंदगी के तमाम पहलुओं में एक मुतवाजन इंसान की तश्कील। जिंदगी के तमाम पहलुओं में, जिंदगी के जितने भी पहलू हैं, वो पहलू आप कह लें बचपन है, लटपन है, जवानी है, उधेड़पन है, और घरेलू जिंदगी है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो जिंदगी का जहां जहां पर जितने भी पहलू आ जाते हैं, इंसान का जो जो रोल, जो जो किरदार वो जिंदगी में निभाता है, तो सभी आ जाते हैं। जिस्मानी तौर पर वो भी जिंदगी का एक पहलू है कि जिस्मानी तौर पर फिट हो, जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, अपने जिस्म की का ख्याल करने वाला हो, जहनी तौर पर वो सेहतमंद हो, जज्बात तौर पर सेहतमंद जज्बात उसके अंदर हो, खुशी पर खुश होना आता हो और गमी पर वो उदासी को महसूस करता हो, और फिर ये जज्बात उसके अपने काबू में हों, जज्बात का वो खुलकर इजहार करने पर कादिर हो, जज्बात को वो समझता हो, जमालियाती हिस उसमें मौजूद हो और माशरती लिहाज से एथिक्स का, अदब अदब अदाब का उसे पता हो, तो तमाम जिंदगी के जो पहलू है उन पहलुओं से एक मुकम्मल और कामयाब इंसान बनाना, ये तरबियत इस्लामी का दूसरा लेवल, दूसरा मरहला है। पहला मरहला बंदगी में ले आना और दूसरा मरहला एक मुतवाजन इंसान की तश्कील। मुतवाजन इंसान की तश्कील तमाम पहलुओं से, जिस्मानी हो, जहनी हो, जज्बाती हो, जमालियाती हो, या माशरती हो, मईशत से मुताल्लुक हो, तमाम पहलुओं से एक मुकम्मल 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 और कामयाब इंसान बनाना कि दुनिया में मौजूद रहते हुए नजर आना चाहिए कि ये अपनी जिंदगी में एक कामयाब इंसान है और अपनी जात में ये खुद मुख्तार है और ये एक मुकम्मल इंसान, इंसान को जितने भी वो उमूर सर अंजाम देने होते हैं दुनिया में, वो तमाम उमूर को अच्छी तरह निभाने वाला हो, एक मुकम्मल और कामयाब इंसान तश्कील देना, ये तरबियत इस्लामी का दूसरा लेवल, दूसरा मरहला। तीसरा मरहला कि ईमान की बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा का एक फ़ाल रुकन बनाना। पहले दूसरा लेवल जो था वो था कि अपनी जात में मुकम्मल और कामयाब इंसान बनाना, और उसके बाद तीसरा ये है कि फकत अपनी जात के लिए वो ना जिए, फकत अपनी जात के लिए वो ना जिए, बल्कि जिस शोबे जिंदगी से वो वाबस्ता हो, जिस शोबे जिंदगी में वो अपने काम कर रहा हो, जो उसकी फील्ड हो, उस फील्ड में वो पूरी उम्मत मुस्लिमा का नुमाइंदा बनकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाए, पूरी दुनिया को अपने उलूम व फनून और अपनी सलाहियत से मुस्तफीद करने वाली जहनीत का हामिल हो, कि वो उसके लिए रुक जाना, ठहर जाना ना हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फरमान के, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फरमान लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अमल में एहसान का मुतमन्नी और मुतलाशी हो, कि वो अपने अमल में बेहतर से बेहतरीन की तरफ मुसलसल रवान दवा हो और पूरी दुनिया में वो उम्मत मुस्लिमा की एक बेहतर नुमाइंदगी करने वाला, एक भरपूर नुमाइंदा बनकर अपने इल्म और फन का लोहा मनवाए, तो ये इस सोच का वो हामिल और इस पैटर्न पर उसकी शख्सियत की तामीर और तश्कील की जाए। ये है तीसरा मरहला और लेवल। चौथा लेवल जो है वो एक किस्म का मरहला भी आ जाता है और इसके साथ साथ एक जहन साजी और फिक्री तौर पर इसका इस मरहले का ताल्लुक है, और वो ये है कि जिस शोबाए जिंदगी में भी वो अपना काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर अल्लाह की बंदगी के साथ मुकम्मल
कामयाब इंसान के तौर पर अगर वो डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक उस्ताद है, तो वो अगर डॉक्टर बनकर पूरी दुनिया का, पूरी इंसानियत का भला और फायदा सोचता है, तो अपने मैदान और अपनी फील्ड में जितनी मेहनत करेगा और दुनिया भर के इंसान जितने इस अल्लाह के बंदे से मुस्तफीद होंगे, उतना ही उसका आखिरत में अजर, उसका आखिरत में मकाम बढ़ता चला जाएगा। दुनिया में भी उससे फायदा उठाने वाली खलके खुदा बेशुमार होगी, और जितनी खलके खुदा दुनिया में शुमार जिनका ज्यादा होगा, उतना ही आखिरत में फवायद और समराद इस शख्स के ज्यादा होंगे। ये चार मराहिल, चार लेवल तरबियत इस्लामी के हैं। पहला है अल्लाह की बंदगी, और दूसरा जो है एक मुतवाजन इंसान की तामीर और एक तश्कील और एक मुतवाजन और कामयाब इंसान बनाना, और तीसरा ये है कि उम्मत मुस्लिमा का फ़ाल रुकन बनाना, फ़ाल मेंबर बनाना, और चौथा जो है दुनिया और आखिरत में भरपूर फवायद समेटने वाला। बात चली थी कि तरबियती अहदाफ से, कि सूरह फातिहा के तरबियती अहदाफ की जानिब हमने गुफ्तगू करनी थी। तो इस गुफ्तगू के सिलसिले में हमने सबसे पहले समझा कि हदफ क्या होता है, उसके बाद हमने तरबियत को जाना कि तरबियत किसको कहा जाता है, फिर उसके बाद हमने इस्लामी तरबियत के मफहूम को समझा, और फिर इस्लामी तरबियत के जो चार लेवल, चार मराहिल हैं, चार मराहिल के बारे में हमने पढ़ा कि वो चार मराहिल कौन कौन से हैं। उम्मीद है कि मैं बात को समझा पाया हूँ। फिर एक मजमुई इस्लामी तरबियत और उसके मजमुई इस्लामी तरबियत के आम जो अहदाफ हैं, वो दीनी तरबियत करना, अखलाकी तरबियत करना, ज़ाती तरबियत करना, माशरती तरबियत करना, और दुनियावी यानी जो उसका प्रोफेशन है, जो उसका पेशा है, उसमें उसकी तरबियत करना, ये इस्लामी तरबियत के अमूमी अहदाफ आ जाते हैं। तरबियत इस्लामी का पहला जो हदफ है वह है फ़र्द को अपने खालिक की पहचान करवा के उसका अपने माबूद से मजबूत ताल्लुक कायम करना, ईमान और उसके तकाजों की रोशनी में, ईमान और उसके तकाजों की रोशनी में फर्द को इंसानियत के कमाल तक पहुंचाना, आला अखलाक से उसे आरास्ता करना, और इन इस्लामी अकदार को इंसान के रगो रेशे में पेवस्त कर देना, जो इंसान को खुदा की बंदगी के लिए तैयार करती है। ये हदफ है तरबियत इस्लामी का, कि तरबियत इस्लामी का मकसूद है कि तरबियत इस्लामी क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम फर्द को खालिक की पहचान करवाएंगे, जब पहचान होगी तो खालिक से मजबूत ताल्लुक कायम होगा, और फिर जब ईमान परवरदिगार पर होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज हयात वो सामने होगा, तो इनके तकाजों की रोशनी में एक इंसान को ऐसा बनाना कि वो पूरी इंसानियत के लिए नाफे और फायदेमंद बन जाए, और वो फायदेमंद बनने वाला इंसान आला अखलाक से आरास्ता हो, आला अकदार से आरास्ता हो, उसके कौलो अमल में इस्लामी अकदार नजर आती हूँ, और फिर ये इंसान हमा वक्त रब की बंदगी में का एहसास लिए हुए हो, रब की बंदगी के एहसास में ये इंसान, ये तरबियत इस्लामी का पहला हदफ है। फिर आ जाते हैं सूरह फातिहा पर, कि सूरह फातिहा ये सूरत जो है अकीदा, इबादत, आखिरत पर ईमान, अकीदा, इबादत और योम आखिरत पर ईमान, अल्लाह की सिफात पर ईमान, इबादत, इस्तियानत, दुआ में तौहीद, दीनी हक और सिराते मुस्तकीम पर चलने और साबित कदमी की दुआ, सल्फ़े सालहीन के तर्ज़ ज़िंदगी को इख्तियार करना, और गुमराहों और मकलूब अफराद के तर्ज़ ज़िंदगी से बचना, ये सूरह फातिहा का लुबे लुबाब और खुलासा है। कि अगर कोई कहे कि सूरह फातिहा क्या है, सूरह फातिहा अकीदा है, सूरह फातिहा में इबादत है, सूरह फातिहा में आखिरत पर ईमान है, सूरह फातिहा में अल्लाह की सिफात पर ईमान की बात होती है, इबादत के हवाले से, इस्तियानत के हवाले से, दुआ के हवाले से, रब की तौहीद
पर मजबूती से जमना सिखाया जाता है कि इबादत इस्तियानत और दुआ में वहदानियत यानी सिर्फ रब ही से मांगी जाए ये चीजें, फिर सिरात मुस्तकीम और दीन मुबीन पर चलने और साबित कदमी की दुआ मांगी जाती है, सल्फ सालहीन के तर्ज जिंदगी को इख्तियार करने के बारे में गुफ्तगु होती है, गुमराह हो और मकसूब अफराद के तर्ज जिंदगी से बचने के बारे में बात होती है। इससे मुख्तसर ये हुआ कि सूरह फातिहा जो है किससे मुख्तसर यह हुआ कि जो सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा में इबादत है, अकीदा है, तर्ज जिंदगी है और जो वाकयात हैं उन कसस हैं उनसे इबरत और नसीहत है। ये चार बातें सूरह फातिहा का आप कह लें कि लुब लबाब और निचोड़ है। सूरह फातिहा में एतराफ है, इकरार है, इजहार है। एतराफ है बंदगी का, इकरार है रब की उलूहियत का और इजहार है अल्लाह ताला के एहसानात का, अल्लाह ताला के इनामात का। सूरह फातिहा चूंकि मक्की सूरत है, ये सारी बातें इंशाल्लाह तफसील से आगे आ भी रही हम डिस्कस करेंगे। मक्की सूरत है और मक्की सूरत का जो हदफ है, मरकजी और मेन हदफ, वो एक मिसाली मुसलमान की तैयारी है। मिसाली मुसलमान की तैयारी, मिसाली मुसलमान की तैयारी में तौहीद यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत पर मुकम्मल एतिमाद और भरोसा, रिसालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एहसास और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और इत्तिबा का जोश और जज्बा, आखिरत आखिरत में जवाबदही का एहसास और बुनियादी इबादात का खूगर और अखलाकियात का पैकर तैयार करना है, एक ऐसा मुसलमान तैयार करना, ये मक्की सूरतों का बुनियादी हदफ है। जो मदनी सूरतें हैं, मदनी सूरतों का बुनियादी हदफ मिसाली मुस्लिम मुआशरे की तैयारी है, ऐसा मुस्लिम मुआशरा जिसमें इबादात और मामलात के हवाले से मुसलमानों को तफसीली अहकामात मालूम हो। इन सूरतों में वो तफसीली अहकामात का तज़करा मौजूद है, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से निपटने की हिकमत अमली मौजूद है और उनके मकरो फरेब से मुकाबला करने की तदबीरें मौजूद हैं और मुसलमानों को उनकी गलतियों पर, जो गलतियां प्रैक्टिकली वो कर रहे थे, कुरान मजीद उतरा है 23.5 साल के अरसे में तकरीबन उतरा है और जब उतर रहा था, नाजिल हो रहा था, सियासत अमल पैरा हो रहे थे मुसलमान, जहां कहीं गलती कोताही होती अल्लाह की जानिब से फरमान आ जाता, फौरन इसलाह हो जाती। तो मुस्लिम मुआशरे में गलतियों पर तंबीह भी मौजूद थी, मुसलमानों की कमजोरियों की निशानदही भी मौजूद है। किस्से मुख्तसर ये है कि सूरतों का हदफ जो है वो मिसाली मुआशरा तैयार करना, जबकि मक्की सूरतों का जो हदफ है वो मिसाली मुसलमान तैयार करना, ये मक्की सूरतों का बुनियादी हदफ और मकसद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें तौहीद की तमाम अकसाम, उलूहियत, रुबूबियत, सात सिफात, सारी की सारी पाई जाती, तमाम अकसाम आ जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहां जबरदस्त एक दिलचस्प नुक्ता है जो किसी भी मुसलमान की तरबियत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं इस पर तवज्जो चाहूंगा कि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलूहियत, अपने इलाह होने को जो तस्लीम करवाया है वो रुबूबियत के जरिए करवाया है, वो रुबूबियत के जरिए करवाया है। अल्हम्दु तमाम तारीफें लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। अल्लाह कौन? रब्बुल आलमीन, जो तमाम मखलूकात का पालने वाला है। भाई मखलूकात को तो देखो, ये दरख्त, ये हवा का चलना, ये सूरज का निकलना, ये सूरज का गुरूब होना, ये मौसमों का तगैयर और तबद्दुल, ये बारिश का बरसना, ये हवा का चलना, ये सारे नबातात का उगना, ये अल्लाह की मखलूक है। ये बिन पैदा करने वाले की पैदा नहीं हुई, कोई तो है जो बनाने वाला है, कोई तो है जो बनाने वाला है। तो रब्बुल आलमीन रुबूबियत के जरिए उलूहियत को तस्लीम करवाया गया है कि शुक्र करें,
शुक्र गुजारी करे, शुक्रिया अदा करे उस अल्लाह का जो रब्बुल आलमीन है। यहां पर जो एक नुक्ता हमें मिलता है जो हमारे लिए तरबियत के लिए इंतहाई अहम नुक्ता है, वो ये है कि आमतौर पर बच्चे जो होते हैं, बच्चों पर आमतौर पर वालिदैन पूछ रहे होते हैं कि बच्चा 10 साल का हो गया है, नमाज नहीं पढ़ता, तो आप उसको पिटाई करें, मारें या क्या करें, इसके बारे में आमतौर पर सवाल आता है। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, ये जो कुरान का तरबियती उसलूब है ना, ये हमें सिखा रहा है कि बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, बच्चे को अल्लाह का शुक्र गुजार कैसे बनाना है। नमाज है क्या? नमाज अल्लाह का शुक्रिया है, अल्लाह की शुक्रगुजारी है। बंदा इनामात को महसूस करते हुए गर्दन को झुका लेता है, सजदा रेज हो जाता है, ए अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाज का जो आगाज होता है ना, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सुबहानकल्लाहुम्मा, सुबहान है क्या? सुबहान है कि पाक है तू जात, किस चीज से पाक? तू जालिम नहीं है, मुनसिफ है, हर ऐब से पाक है। जब हर ऐब से पाक है तो शुक्रगुजारी तेरी है, तारीफ तेरी है, तो तारीफ के लिए, सच्ची हम्द के लिए तस्बीह का होना जरूरी है, सुबहान का होना जरूरी है, सुबहान के इकरार का होना जरूरी है। तो बहरहाल बच्चा जब छोटी उम्र में होता है तो बच्चे के का जो अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाना है वो रब्बुल आलमीन से बनाना है। बच्चे को जो नेमतें मुयस्सर हैं, नेमतें दी जाती हैं, जो जो इनामात बच्चे के सामने आते हैं, बच्चे को बताने सिखाने की जरूरत है, ये अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह ने दिया है, ये परवरदिगार ने अता किया है, ये सुबहान जात ने अता किया है। बच्चे का रब के साथ कनेक्शन और ताल्लुक रब्बुल आलमीन वाला होना चाहिए, डर और खौफ की बुनियाद पर नहीं, एहसान की बुनियाद पर, डर और खौफ की बुनियाद पर नहीं, इनाम की बुनियाद पर, नेमतों को महसूस करवाने की बुनियाद पर, ये बच्चे के साथ ताल्लुक होना चाहिए रब करीम का, रब्बुल आलमीन का। जब रब्बुल आलमीन का कॉन्सेप्ट तसव्वुर बच्चे के दिलो दिमाग में पेवस्त हो जाएगा, इसको एक मिसाल से समझिए। एक यतीम बच्चा है और यतीम बच्चे की परवरिश किसी ऐसे शख्स ने की जो वहां पर उस इलाके में मौजूद नहीं था, सारे अखराजात वो उसने उठाए, आला तालीम दिलवाई, और आला तालीम हासिल करने के बाद ये बच्चा शहर का एसी या डीसी बन गया। अब शहर का हुक्मरान है, अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, अचानक उसको पता चलता है कि उसका मोहसिन आया है बाहर। तो मुझे ये बतलाइए कि वो बच्चा अपनी कुर्सी पर बैठा रहेगा या दौड़कर बाहर जाएगा? जाहिर है कि दौड़कर बाहर जाएगा, फौरन सलाम करेगा, मुसाफा करेगा, शुक्रिया अदा करेगा, और हो सकता है कि उसे अपनी ही कुर्सी पर बैठा, खुशी से उसका ठिकाना कोई नहीं होगा, वो आओ भगत करने के चक्रों में होगा कि मैं एहसान का शुक्रिया किसी तौर पर अदा करूं। जब 7 साल तक बच्चे को अल्लाह के साथ इस तरह ताल्लुक कायम किया कि वो रब्बुल आलमीन है, वो मुनअम है, वो मोहसिन है, उसकी अता है, उसने ये दिया, उसकी ये नेमत, उसकी ये नेमत, और फिर 7 साल का बच्चा हुआ, 8 साल का बच्चा हुआ, घर का माहौल नमाज वाला है, एक दिन आप आते हैं बच्चे से कहते हैं, बेटा आए अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, आए अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, बेटा दौड़ कर जाएगा, और ये जो शुक्रिया होगा ये एहसासात से आरी नहीं होगा, ये एहसासात से खाली नहीं होगा, ये शुक्रगुजारी के जज्बात को लिए हुए होगा, और बच्चा फिर दिल से पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ये हमें कुरान ने सिखा दिया तरबियत का उसलूब क्या है, रुबूबियत से उलूहियत की तरफ लेकर आया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब की जात है, रब होना उसकी सिफत है, सिफत।
आज बड़ी तहकीकात हो रही है, और कल भी किसी ने सवाल किया था तहकीकात के हवाले से। आज साइंस तहकीक तो कर रही है, तहकीकात में बहुत आगे तो निकल गई है, लेकिन वो जो तहकीक हो रही है, वो जो रिसर्च हो रही है, वो रिसर्च ना मुकम्मल है, मुकम्मल नहीं है। मखलूक में गौर व फिक्र कर किया तो जा रहा है, लेकिन मखलूक पर गौर व फिक्र करके मखलूक ही तक रुक जाना, ये कंप्लीट डिस्कवरी नहीं है, ये इनकम्प्लीट डिस्कवरी है, ये अधूरी तहकीक है। मुकम्मल तहकीक और कंप्लीट डिस्कवरी ये होती है कि जब मखलूक पर तहकीक की जाए, मखलूक को डिस्कवर किया जाए, तो उस मखलूक के जो खालिक हैं उस तक पहुंचा जाए, उस तक रसाई हो। न्यूटन ने सेब के गिरने से अनदेखी कुव्वत, जिसे कुव्वत कशश कहा जाता है, कश्य सकल कहा जाता है, ग्रेविटी कहा जाता है, ग्रेविटी को जांच तो लिया, दरियाफ्त तो कर लिया, अनदेखी ग्रेविटी को, ये कश्य सकल है जिसकी वजह से सेब नीचे गिरा है, तो कश्य सकल को पैदा करने वाली भी जात है कोई, अगर उसकी साथ खालिक की पहचान या मारिफत ना हुई, तो इसको कंप्लीट डिस्कवरी नहीं कह सकते, ये इनकम्प्लीट डिस्कवरी हुई। आगे बढ़ते हैं, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है रोजे जजा का, मालिक है योम हिसाब का, मालिक है मौत और मौत से पहले के उमूर, मौत के बाद के मराहिल सब का मालिक है। मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है रोजे जजा का। ये बड़ा ही दिलचस्प फार्मूला है, ये फार्मूला है इंसान के बनने का, ये फार्मूला है इंसान के संवरने का। इंसान अपनी जिंदगी को अगर संवारना चाहता है तो मालिक यौमिद्दीन को अपने अमल का हिस्सा बना ले, कि मालिक यौमिद्दीन पर मेरा ईमान है या नहीं है, ये जायजा लेने की जरूरत है, ये तज्जिया करने की जरूरत है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब सच्चा ईमान तब होगा जब आखिरत में जवाबदेही का एहसास दामनगीर रहे, अगर आमाल के करते हुए आखिरत में जवाबदेही का एहसास नहीं रहता तो मालिक यौमिद्दीन पर ईमान अभी कमजोर है, मजीद मजबूती की जरूरत है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो उसकी उम्र 40 साल है, और उसने जीना है तकरीबन कुछ 60 साल तक की उसकी उम्र, फर्ज किया 60 साल उम्र है होती है, 70 साल उम्र होती है, तो अब 60-70 साल, ये 20 साल का जो मरहला उसने अभी तय करना है, अब 20 साल जो मजीद आएंगे, 30 साल मजीद जो आएंगे, 40 साल जो मजीद आएंगे, ये सफर कैसा होगा, ये सफर सिराते मुस्तकीम पर होगा, ये सिराते मुस्तकीम पर नहीं होगा, ये जायजा अगर लेना है तो जायजा कैसे लिया जाए। तो मालिक यौमिद्दीन ये फार्मूला सिखाता है कि रोजाना की बुनियाद पर अपना मुहासबा किया जाए, पहले शुऊरी मुहासबा होगा, फिर लाशऊर में ये चीज बैठ जाएगी, रब की उलूहियत, रब के हुजूर जवाबदेही का एहसास लाशऊर का हिस्सा बन जाएगा। कैसे बनेगा? रोजाना की बुनियाद पर एक चार्ट बनाए, रोजाना की बुनियाद पर एक चार्ट बनाए, उस चार्ट में रोजाना के आमाल लिखें, रोजाना के आमाल लिखें उस चार्ट में, कि आप के जो रोजाना के आमाल हैं वो क्या हैं, मालिक यौमिद्दीन के जो एहसास को लिए हुए हैं या मालिक यौमिद्दीन के एहसास से खाली हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आमाल किए, जितनी भी इबादत की, जितने भी आपके रोजो शब में जितने भी उमूर थे, उन उमूर में कितने उमूर में रब की बंदगी और रब की का एहसास, रब के हाँ जवाबदेही का एहसास रहा, उसको उसका तज्जिया करें, जायजा लें। मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने एक चार्ट हम बनाते हैं, इस तरह का चार्ट बना लिया जाए, इस तरह का एक चार्ट बना लिया, स्टॉप शेयरिंग,
जी मिसाल के तौर पर हम यहां पर लिखते हैं मालिकी यौमिद्दीन, ठीक है। आप इसका नाम कोई और भी रख सकते हैं, मुहासबा चार्ट रख सकते हैं, इसके अलावा भी आप कोई नाम रख सकते हैं, रब के हुजूर जवाबदही का चार्ट, ठीक है, ये आपने रख दिया। और नीचे आप एक टेबल बना लें, और टेबल में एक खाना नंबर शुमार का हो गया, एक फरमाबरदारी का हो गया, एक नाफरमानी का हो गया, एक के बारे में आपको यकीन नहीं है, आपने इस तरह का एक चार्ट बना लिया। शुरू में आपने नंबर शुमार, फरमा बरदारी कर लें, या फिर इसको बंदगी भी कर सकते हैं आप, बंदगी, नाफरमानी और इसको आप कह लें कंफर्म नहीं, हतमी, गैर हतमी कर लें इसको। चलें आप इसका नाम अपनी सवाबदीद के मुताबिक कोई और नाम भी इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ आप जितने भी उमूर हैं उन उमूर की आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि वो 10 उमूर हैं, वो 8 उमूर हैं, वो 5 उमूर हैं, जितने भी उमूर हैं उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद जो है फरमाबरदारी, फरमाबरदारी में आपने, बल्कि इससे पहले, फरमाबरदारी से पहले आप एक और खाना बनाएं, और उन खानों में इस खाने में आप रोजो शब के मामूलात, अब यहां पर मामूलात लिखना शुरू कर दें। इसमें तमाम मामूलात आप लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं। आपने लिखने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप मामूलात लिखेंगे, और दिन को पूरे दिन के एक ही दफा भी बना सकते हैं, और दिन के मुख्तलिफ हिस्से भी करके बना सकते हैं कि जोहर तक के मामूलात का आपने बना लिया, फिर जोहर के बाद के मामूलात का बना लिया, दो हिस्सों में तकसीम कर लें दिन को, चाहे तीन हिस्सों में तकसीम कर लें, मुख्तलिफ उमूर लिखें। बाजार में अगर आप खरीदारी के लिए गए हैं तो शॉपिंग का लिख लें कि शॉपिंग, और शॉपिंग करते हुए आपने फरमाबरदारी की या नाफरमानी की, और शॉपिंग के ज़हल में भी बहुत सारे उमूर आ सकते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। आप कहीं मुलाजमत कर रहे हैं तो मुलाजमत में कर सकते हैं, आप कहीं सफर पर गए हैं, ड्राइविंग की है तो ड्राइविंग को शामिल कर सकते हैं, घर के अंदर रहे तो घर के बहुत सारे उमूर होते हैं, उन उमूर को जितना आप उमूर छोटे से छोटा बनाते चले जाएंगे उतना उनका जायजा लेना आसान होता चला जाएगा। ज़ैली मुलाजमत है, मुलाजमत के ज़ैल में बहुत सारे उमूर दीगर भी आ जाते हैं, लोगों के साथ डीलिंग है, और साथियों के साथ जो आपके अपने दोस्त अहबाब हैं, मतहत हैं, और जो अपर हैं, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इनमें बंद इस ये जो चार्ट है, इस चार्ट को आप बनाकर उसके मुताबिक आप अपना जायजा तजिया ले सकते कर सकते हैं। आखिर में आप उसका नंबर कर लें, और नंबर जो है उसके मुताबिक आप देख लें कि आप पास हैं अल्लाह के हाँ या पास नहीं है। अगर पास हैं तो शुक्र करें, अगर पास नहीं है तो फिक्र करें, और अगले दिन को पिछले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश और सही करेंगे। तो ये फार्मूला है बंदगी में आने का, ये एक चार्ट है, और ये बात याद रखिए, और ये बात याद रखिए कि इन दिनों ये स्क्रीन ठीक आ रही है, सिंगल स्क्रीन है या डबल स्क्रीन है मुझे आगाह कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। इन दिनों आमतौर पर देखा गया होगा कि मुसलमान जो है वो मौत से बहुत डरते हैं, मौत से बहुत खौफ ज़दा रहते हैं, और मौत की इनको डर और खौफ न जाने कहाँ से आ गया कि अल्लाह से मुलाकात का तो मुसलमान को शौक हुआ करता था कि रब से मुलाकात करनी है, लेकिन ये मोमिन ऐसा मोमिन है कि जो रब से डरना शुरू हो गया है और मौत का नाम सुनकर ही खौफ से टांगे कांपना शुरू हो जाती है। हालांकि हदीस में आया है
अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, क्या मतलब है इसका? मेरा फिर स्क्रीन शेयर हुई या नहीं हुई, मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये रिवायत आई है, इस रिवायत का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? जी इस रिवायत का कोई मतलब बताएगा मुझे? अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, अच्छा काफी सारे मैसेज आ गए, मतलब क्या है, मतलब क्या है? दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। चलें ठीक है जी, मुझे बिल्कुल ऐसा ही है कि मोमिन को तो कैद खाने से आजादी की खुशी होनी चाहिए, वो खुश हो कि अल्लाह से मुलाकात हो रही है, जबकि यहाँ बंदा मोमिन डरता है कि रब के हुजूर मुलाकात के लिए डर और खौफ होता है। तो जब इस फार्मूले पर अमल करेगा रोजाना की बुनियाद पर, उसको पता चल रहा होगा कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं पास हूँ या फेल हूँ, तो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को वो सेट करता चला जाएगा, बेहतर से बेहतर बनाता चला जाएगा। तो मालिक यौमिद्दीन का जो चार्ट है, इस चार्ट को अपनाने की जरूरत है, इस चार्ट पर अमल पैरा होने की जरूरत है। अगर हम अमल पैरा होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके फवायद और समरात जरूर हम समेटेंगे। आगे बढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु इबादत के वसी मफहूम को सामने रखते हुए इताअत और फरमा बरदारी की हर हर कोशिश, हर हर अमल इसमें दाखिल है। मोमिन की जिंदगी का कोई भी अमल हो, अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक होगा तो वह इबादत कहलाएगा, अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं होगा वो इबादत नहीं कहलाएगा, वो इबादत नहीं कहलाएगा। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। यहाँ जो हम है, इय्याका नअबुदु नअबुदु, ये उम्मत मुस्लिमा की वहदत की भी अलामत है। ये वहदत यानी हम सब मिलकर तेरे ही इबादत करते, हम सब तेरे ही बंदे हैं, हम सब मिलकर तेरी ही बंदगी करते हैं। इय्याका नअबुदु इसमें इज्तिमाइयत आ रही है, शुरू में इनफरादी तौर पर चल रहा था और यहाँ आकर इनफरादी इज्तिमाई मजमुआ उम्मत वहदा की तरफ इशारा कर दिया गया है कि हम तेरी ही इबादत कहला करते हैं। قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, कह दीजिए ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके तवस्सुल से हर मोमिन के लिए यह है कि वो मोमिन इस बात पर पुख्ता यकीन रखता हो कि उसकी नमाज, उसकी कुर्बानी, उसका जीना, उसका मरना अल्लाह ही के लिए हो। अल्लाह कौन? जो रब्बुल आलमीन है, यानी गोया के बंदगी का एहसास लिए हुए मोमिन का शब और रोज गुजरना चाहिए। इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु, ये बंदगी के साथ साथ बंदे के इज्ज और उसकी इज्ज को भी लिए हुए है कि इज्ज जो है, बंदगी जो है वो बंदे के साथ मखसूस है, और जिसकी बंदगी करनी है, जिस पर एतिमाद करना है, जिस पर भरोसा करना है, वो अल्लाह ही की जात है। व इय्याका नस्ताईन, अपने तमाम कामों में अल्लाह ही से मदद तलब करना अब्दियत का आला तरीन नमूना है। अद्दुआ मुखल इबादा, दुआ इबादत का मगज है, दुआ इबादत का नचोड़ है, दुआ इबादत का मुख है। दुनियावी कामों में मगन होने के बावजूद मालिक की कुदरत का इस्तेहजार इंसान को हर वक्त झुकाए रखता है। इन दो लफ्जों में वो हकीकी ताल्लुक पोशीदा है जो एक हकीकी बंदे और मालिक में होता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, एहदिना सिरात अल-मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम, अल्लाह का बताया हुआ तरीक़े जिंदगी जिसे हम दीन या शरीयत कहते हैं, ये तर्ज़े ज़िंदगी है, ये लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल कि भाई लाइफस्टाइल कौन सा मांगते हैं,
सिराते मुस्तकीम मांगते हैं, ये लाइफ स्टाइल है, ये तर्ज़े ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, ये ज़िंदगी गुजारने का सलीका है। बंदा मांगता है और फिर मांगे तो बंदा दिन में कई मरतबा अल्लाह से कि या अल्लाह मेरा लाइफ स्टाइल सिराते मुस्तकीम कर दे, और अल्लाह ने फरमा दिया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कि अल्लाह को जो लाइफ स्टाइल, अल्लाह को जो तर्ज जिंदगी मतलूब और मकसूद है वो उसका नाम है इस्लाम, उसका नाम है इस्लाम, तर्ज जिंदगी लाइफ स्टाइल। और सूरह बकरा में कि बिल्कुल आगाज ही में अल्लाह ने फरमा दिया हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो जो हिदायत आप मांग रहे हैं, जिसका सवाल ये किया जा रहा है, कुरान हिदायत है आपके लिए, आपकी दुआ कबूल होगी, ये सारी की सारी हिदायत आपके लिए है। और मनहज भी बता दिया, तरीक़ेकार भी बता दिया, फइन आमनु बिमिथलि मा अंतुम फकद इहतदौ, हिदायत मांगते हो, रहनुमाई मांगते हो, फइन आमनु बिमिथलि मा आमनतुम, जो लाइफ स्टाइल, जो तर्ज जिंदगी, जो मनहज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का है, वही मनहज हिदायत है, वही मनहज सिरात मुस्तकीम है। قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, कि दीन किसको समझते हो, दीन है क्या, रब की खुशनुदी चाहते हो, रब की रजा चाहते हो, तो इत्तिबाए नबी में रब की रजा है। ईमान तोलना चाहते हो तो ईमान का मेयार रसूलुल्लाह का तर्ज जिंदगी और सहाबा का लाइफ स्टाइल है। فقد اهتدوا, हिदायत पा जाओगे, सिरात मुस्तकीम इख्तियार कर लोगे। وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, अगर मुंह फेरोगे तो फिर कोई खैर नहीं, कोई भलाई नहीं, कोई सिरात मुस्तकीम नहीं, कोई कामयाबी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिरात मुस्तकीम सलफ़े सालहीन के तर्ज जिंदगी को बतलाया कि सलफ़े सालहीन का जो तर्ज जिंदगी है, सलफ़े सालहीन का जो लाइफ स्टाइल है, वही सिरात मुस्तकीम है, उसी को इख्तियार करने की जरूरत है। अगर उसको इख्तियार करोगे तो कामयाबी उसमें है, कामयाबी भी उसमें है, फला भी उसमें है, कामरानी भी उसमें है। फिर उसके बाद सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, राहे इताअत और बंदगी की तमाम दास्तानें जो अल्लाह के महबूब बंदों ने किताब अब्दियत में सब्त की हैं, रकम की हैं, इनाम याफ्ता की ताबीर इन सबको शामिल है। बंदगी की वो दास्तानें, इताअत की वो कुर्बानी की लाजवाल अनमोल, वो बिलाल हबशी, वो सुमैया, वो खुबाब, वो खुबैब, सभी की दास्तानें जो उन्होंने रब की बंदगी में किताब हस्ती पर रकम और सबत की हैं, वो इस ताबीर में शामिल हैं। वमन युति अल्लाह वर रसूल फउलाइक मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाह अलैहिम मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसना उलाइक रफीका। सिरात मुस्तकीम पर गामजन होना चाहते हैं, सिरात मुस्तकीम को इख्तियार करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने फरमा दिया सोहबते सालेहीन, सोहबते सालेहीन, तो सालेहीन की सोहबत इख्तियार कीजिए, कंपनी ऐसी इख्तियार कीजिए जो कंपनी सालेहीन की हो, जो कंपनी इनाम याफ्ता लोगों की सिफात के हामिलीन की हो, तो ऐसी कंपनी, ऐसी सोहबत, ऐसा माहौल वो इंसान को कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाएगा, कामयाबी के रास्ते पर वो लेकर जाएगा। कंपनी अहमियत की हामिल है, सोहबत अहम है, सोहबत, नेक सोहबत इख्तियार कीजिए, नेक सोहबत इख्तियार करेंगे तो नेक बन जाएंगे, और बुरी सोहबत इख्तियार करेंगे तो बुरे बन जाएंगे। तो इसलिए नेक बनने के लिए सोहबत नेक होनी चाहिए। वमन युति अल्लाह वर रसूल फउलाइक मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ। अजल से गुमराही की तारीख राहों पर भटकते हुए सारे निजाम, सारे इज्म, सारे फलसफे जिंदगी और उनके मानने वाले जितने भी ग्रोह और जमाते हैं, वो इस ताबीर में शामिल हो गई। ये ताबीर सबको शामिल है, सारे ही इसमें आ जाते हैं। मग़ज़ूब, जिन पर रब्बे करीम का गजब हुआ, मग़ज़ूब,
जिन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी। और फिर आगे सूरत कुरान मजीद में जाया जाए तो मखज़ूब यानी यहूद, इनका अक्सर तज़किरा सूरह बकरा और सूरह निसा में पाया जाता है। वालीन नसारा, जिनका तज़किरा सूरह आल इमरान और सूरह माईदा में पाया जाता है। ये सूरह फातिहा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक दस्तूर है, एक प्रेम्बल है। इसकी हैसियत कानून में वही है जो प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और दस्तूर की होती है। सूरह फातिहा इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसमें सारे ही मजामीन आ जाते हैं, सारे ही मजामीन आ जाते हैं। और इसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, परवरदिगार आलम खुद अपना तआरुफ पेश करता है, खुद अपना तआरुफ फरमाता है। तौहीद पर, तौहीद पर जो एक सूरत, मुस्तकिल सूरत सूरह इखलास है, उसका आगाज भी कुल से होता है, कुल हु अल्लाहु अहद। लेकिन सूरह फातिहा का आगाज अल्लाह खुद अपने तआरुफ से करवाता है, अपने तआरुफ से करवाता है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, तआरुफ को लिंक करता है रुबूबियत से, उलूहियत को मुतआरफ करवाया जाता है रुबूबियत से। किस्से मुख्तसर, इस तफसील से ये अंदाजा ये हुआ कि सूरह फातिहा वो एक फ्रेम है, एक फ्रेमवर्क है जो कुरान मजीद के तमाम बुनियादी मजामीन को घेरे हुए है। इसमें तौहीद भी है, इसमें रिसालत भी है, इसमें इबादत भी है, इसमें शरीयत भी है, इसमें कसस भी है, इसमें इबरत भी है, इसमें वाज भी है, इसमें नसीहत भी है। और बंदगी का रास्ता अगर देखा जाए तो बंदगी के रास्ते में तौहीद की तमाम अकसाम पर ईमान आ जाता है, आखिरत पर ईमान आ जाता है, इबादत की तमाम अकसाम, उनमें इखलास, उसमें इस्तियानत, सिरात मुस्तकीम की निशानदही और उस पर साबित कदमी की दुआ, ये सारी की सारी बंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है कि बंदा है जो रब की तौहीद पर ईमान लाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम मखलूकात को पालने वाला है। अर्रहमान, हम उसकी रहमत के तालिब हैं दुनिया में। अर्रहीम, हम उसकी रहमत के तालिब हैं आखिरत में। मालिकी यौमिद्दीन, दुनिया में वो अर्रहमान है, सब पर रहमान है, सब पर मेहरबान है, मानने वालों पर भी, ना मानने वालों पर भी। लेकिन ना मानने वाले ये बात याद रखे, मालिकी यौमिद्दीन आखिरत का मालिक है, वो आखिरत का मालिक है, रोजे जजा का मालिक है, हिसाब देना है वहां पर। सिराते मुस्तकीम का अमली नमूना यहाँ पर बता दिया गया कि सिराते मुस्तकीम पर गामजन कौन लोग हैं और सिराते मुस्तकीम से भटक जाने वाले कौन लोग हैं। सिराते मुस्तकीम पर जो गामजन हैं उनके औसाफ, उनके सिफात कुरान मजीद ने मजीद आगे बता दी। और जो भटके हुए मखज़ूब और ज़ाल हैं उनके औसाफ, उनकी सिफात और भटक जाने की जो वजूहात हैं वो भी कुरान मजीद ने खोल खोल कर बता दी। सूरह फातिहा में अल्लाह के नाम महमूद, तारीफ के लायक, हाँ, और बंदे की सिफात यानी हामिद, दोनों का तज़किरा पाया जाता है। महमूद और हामिद, इलाह माबूद और मखलूक, रब मरबूब, रहीम रहमान, मोहताज फी दुनिया यानी तालिबे रहमत दुनिया में, और रहीम मोहताज फिल आखिरा यानी तालिब रहमत बंदा आखिरत में, मुस्तआन मुस्तआन यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो सिफत है वो मुस्तआन है, और जो बंदे की सिफत है वो है तालिब मदद, मदद का तालिब, मदद का मुतलाशी। मालिक है वो ममलूक है, अल्लाह माबूद है बंदा आबिद है, अल्लाह मुस्तआन है बंदा तालिब मदद है, अल्लाह हादी है बंदा तालिब हिदायत है, अल्लाह मुनिम है बंदा इनाम याफ्ता है, अल्लाह कहार है बंदा मखज़ूब है, अल्लाह मुज़िल है और बंदा गुमराह है। बंदे की सिफात और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम और अल्लाह की सिफात दोनों का तज़किरा यहाँ पर पाया जाता है। और ये तज़किरा समझाने के लिए बंदे और रब के दरमियान कनेक्शन और ताल्लुक
को वाजे करने के लिए है, बिल्कुल खुलकर आ गया बंदे और रब का क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है और क्या दोनों का स्टेटस है, क्या हैसियत है। सूरत में अकीदा, इबादत और अखलाक के हवाले से गुफ्तगू हुई, और इसके अलावा अल्लाह की नेमतों का शुक्र, इबादत में अखलास के हवाले से सोहबत साले यानी सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम और असासियात दीन, दीन की बुनियाद उनके हवाले से गुफ्तगू हुई, अस्मा और सिफात का तज़किरा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम और अल्लाह की सिफात, फिर इस्तेकामत की दुआ जो मांगी जाती है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर डट जाने की, मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करने की, आखिरत का तज़किरा होता है मालिकी यौमिद्दीन से, और इसके साथ साथ दुआ की अहमियत और इस दुआ की अहमियत में वहदत उम्मत का इस्तियारा, वो भी इसमें शामिल है। और सूरत के मौजूआत में अकीदा, इबादत, अखलाक, अकीदे में ईमान, तौहीद, इखलास, और ये जो ईमान, तौहीद और इखलास है ये कैसे आएगा, मुसलमानों की सोहबत से, नेक लोगों की सोहबत से, बद लोगों की सोहबत से, दूरी से ये अकीदा मजबूत होगा। इबादत के हवाले से तवक्कुल, दुआ और हम, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। अखलाक के हवाले से नरमी, अदल और तवाज़ु के हवाले से गुफ्तगू होती है, और सूरह फातिहा एक बड़े ही ज़बरदस्त सूरत है जिसमें मुख्तलिफ अनावीन पर मुख्तलिफ हवालों से एक तवील गुफ्तगू की जा सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक दस्तूर है, ये उम्मुल किताब है, और इसमें बहुत सारी मिसाल रा मौजूद है, बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तौहीद उलूहियत अल्हम्दुलिल्लाह, तौहीद रुबूबियत रब्बुल आलमीन, तौहीद अस्मा व सिफात अर रहमान अर रहीम, और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र, शुक्र गुजारी, शाकिर होना और हामिद होना अल्हम्दुलिल्लाह, इखलास, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, नेक सोहबत सिरातुल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, दीन इस्लाम पर इस्तेकामत और दीन इस्लाम को लाइफ स्टाइल इख्तियार करने पर इस्तेकामत की दुआ मौजूद है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और फिर दुआ की अहमियत भी बतला दी गई, नमाज का हिस्सा बना दिया गया, बार बार मांगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फिर तारीख से सबक, माजी से सबक सीखने के हवाले से भी यहाँ पर मौजूद हैं, और अल्लाह ताला की जो नेमते हैं और अय्यामुल्लाह यानी कसस और इबरत वो भी यहाँ पर मौजूद है, हक व बातिल में वाज़े फ़र्क और इम्तियाज करने के जो औसाफ़ और जो ग्रोह हैं उन ग्रोहों का तज़किरा भी इस सूरत में खुलकर बतला दिया गया। आखिर में आकर हम अहद करते हैं, हम अहद करते हैं, और उस अहद से मुतालिक ये आखिरी स्लाइड है, और उसके बाद हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे, और ये आखिरी बात और आखिरी स्लाइड है हमारी, और ये जो आखिरी स्लाइड या आखिरी बात है ये एक अहद से ताल्लुक रखती है, और हम सब मिलकर ये एक अहद करेंगे। सूरह फातिहा जो है ये एक मुआहदा है बंदे और रब के दरमियान, सूरह फातिहा बंदे और रब के दरमियान एक मुआहदा है, और इस मुआहदे का बार बार बंदा तकरार करता है, बार बार इस मुआहदे को दोहराता है, और बार बार इस पर अमल पैरा होने की का वो वादा करता है। पहला है तौहीदे उलूहियत, तौहीदे उलूहियत इसके हवाले से वो बंदा ये अहद करता है कि मेरा पालने हार, मेरा पालने वाला, मेरी परवरिश करने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह है, जब अल्लाह पर भरोसा है, जब अल्लाह पर तवक्कुल है, तो मुझे मायूस होने की ज़रूरत नहीं, मुझे मखलूक में से किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, मुनहसर होने की ज़रूरत नहीं, और मखलूक से तवक्कुआत हकीकी रखें, अगर तवक्कुआत पूरी ना हों तो मैं मायूस हरगिज़ नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं रब्बुल आलमीन का बंदा हूँ, और रब्बुल आलमीन ही पर भरोसा और तवक्कुल है, उसी का हामिद हूँ, उसी का शुक्रगुजार हूँ, वो रब्बुल आलमीन है तो मेरा भी पालने वाला वही है। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है तवक्कुल वो आ गया, आखिरत, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, इसका चार्ट आप लोगों को बनाकर दिखाया गया, उस चार्ट पर अमल करेंगे कि हर दिन और दिन के हर लम्हे में आखिरत को मैं याद रखूंगा, ताकि मैं गफलत का शिकार ना हूँ और अल्लाह की नाफरमानी का शिकार ना हूँ, और जो मेरा अमल है वो बेहतर से बेहतरीन होता चला जाए, और रब्बे करीम की फरमा बरदारी में
वो होता चला जाए और रब करीम की नाफरमानी में मेरा कोई अमल नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर आ जाता है बंदगी, बंदगी ये बंदगी का अहद है, ये बंदगी का वादा है कि मैं बंदा हूँ, खालिक वो है, राज़िक वो है, मैं बंदा हूँ। इय्या का नाबुदू, मेरा हकीकी तारफ ये है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरा हकीकी तारफ ये है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसी से मदद का तालिब हूँ। इय्या का नाबुदू व इय्या का नस्ताईन। फिर हिदायत का तालिब होना, हिदायत का तालिब होना ये भी एक एग्रीमेंट और वादा है कि बंदा यानी मैं बार बार अल्लाह से दुआ मांगूंगा, बार बार अल्लाह से दुआ मांगूंगा, या अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, मुझे हिदायत की तौफीक अता फरमा, मुझे कुरान मजीद की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमा। महज अल्फाज से दुआ मांगना काफी नहीं है, महज अल्फाज लफ्जों से दुआ मांगना काफी नहीं, जब तक दुआ और इंसान का अमल हम आहंग नहीं हो जाता, मिल नहीं जाता, वो अपनी दुआ में मुखलिस नहीं हो सकता। मैं अहद करता हूँ कि मैं सिराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश भी करूँगा, कहीं पर भी कदम लड़खड़ाएंगे या डगमगाएंगे या लगजश पैदा होगी तो रब्बे करीम के हुजूर गिड़गिड़ाऊंगा, दुआ मांगूंगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अर्रहमान अर्रहीम, ये जो आयात हैं ये इंसान के अंदर उम्मीद और डर दोनों पैदा करती हैं। अर्रहमान अर्रहीम उम्मीद पैदा करती है, मालिकी यौमिद्दीन एक डर पैदा करता है कि आखिरत में रब के हुजूर जवाबदही का एहसास, जवाबदही का डर। और जैसा कि कहा जाता है कि अल ईमान बैनल खौफ व रजा, कि ईमान खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत का नाम है, तो अर्रहमान और अर्रहीम और फिर मालिकी यौमिद्दीन इन दोनों के मबैन रखता है। तो मैं अहद करता हूँ कि उम्मीद और डर के दरमियान रहूंगा, अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद और अल्लाह के हुजूर जवाबदही में नाफरमानी के एहसास का डर। हया अल्लाह से खाता खाऊंगा मैं कि कहीं नाफरमानी ना हो जाए, जो इबादत करूंगा उसके मनवाने की फिक्र भी दामनगीर रहेगी। मालिक यौमिद्दीन और रहमान और रहीम। सलफ़े सालहीन का तर्ज़े ज़िंदगी, सलफ़े सालहीन का तर्ज़े ज़िंदगी यानी नेक लोगों के वाक़यात से सबक लूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करूंगा, आप अलैहिस्सलाम के मिजाज को अपनाने की कोशिश करूंगा, जैसे सहाबा ने जिंदगी गुजारी वैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा, सहाबा ने जैसे कुरान मजीद पर अमल पैरा हुए कुरान मजीद को अपनाया वैसे ही अपनाने की कोशिश करूंगा, और अपना कर सिरात मुस्तकीम की रवश इख्तियार करूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रवैये, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बर्ताव उसको अपनाने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहूं और तारीख से सबक सीखते हुए नाफरमानों की जो रवश है, नाफरमानों को जो तर्ज जिंदगी है, नाफरमानों को जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल को मैं इख्तियार नहीं करूंगा, बल्कि मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा तर्ज जिंदगी इनाम याफ्ता लोगों का तर्ज जिंदगी होगा, इनाम याफ्ता लोगों का लाइफ स्टाइल होगा, उसी को मैं अपनाऊंगा, उसी को मैं इख्तियार करूंगा। इसी अहद पर, इसी वादे पर आज हम इस सबक का इख्तिताम करते हैं और रब्बे करीम के हुजूर दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने सीखा, उसे अमल करने की, अमल का हिस्सा बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए। जो कुछ हमने पढ़ लिया है वो हमारे अमल का हिस्सा बनेगा तो यही कबूलियत की अलामत है, यही कामयाबी की नवीद है। चार्ट को भी हम अपनाएंगे और सूरह फातिहा आज मेरे लिए थी और ये अल्लाह का नूर उतरा था, आसमान का दरवाज़ा खुला था, फरिश्ता आया था, मेरे लिए तो आज ही आया था, मेरे लिए तो अभी आया था और मैंने, अल्लाह ने मुझे अभी अता की है तो मैं इसको अपनाऊंगा, मैं इसको सीने से लगाऊंगा, मैं इसको अपने अमल का हिस्सा बनाऊंगा, मैं इसको समझूंगा और अपनी तरबियत बेहतरीन मुसलमान के तौर पर करूंगा। इसी पर इक्तफा करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।